ये फॉर्मेट ज्यादा बढ़िया है क्योंकि अभी तक जो है लखनऊ की पारी जो फर्स्ट इनिंग का जो है वो भी खत्म हो गया है, तो उसे भी एनालाइज करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो अपना गेम प्ले चल रहा है उसके बारे में, तो चलेगा ही चलेगा एंड ऑल दैट। और जो इस दौरान जब ये चेज करने आएंगे राजस्थान वाले, वो भी जो है बातें हो जाएंगी साथ में। तो सब इसके अलावा थोड़े बहुत सेटिंग्स कर दूं मैं, उसके बाद जो है मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपनी चेज, अपना गेम प्ले। बट ये जो इनिंग आज लखनऊ ने की है, और एट द एंड हम ये देख कर कह सकते हैं जैसे को तैसा मिल गया आज, क्योंकि हमारा जो मेयर्स है आज मेयर्स चला नहीं, और उसका पूरा खामियाजा जो है टीम को तो भुगतना पड़ा ही पड़ा। बट आई थिंक केएल राहुल को भी रियलाइज होगा कि भाई जल्द से जल्द जो है परफॉर्म करना कितना कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। और जिस किस्म की आज आपने देखा होगा, हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि केएल राहुल आज जो है, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज बड़ा दबाकर खेलेगा, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से खेलेगा। क्योंकि और हाँ, जब उसने स्ट्राइक ली तब तो मैं ऑलमोस्ट जो है समझ कर बैठा ही था कि भाई ये डर नहीं रहा, ये जो है आज कुछ कारनामा करेगा। तो अगर ये कारनामा करेगा और स्ट्राइक जब बंदे ने ले ली, वेल, तब तो आई थिंक मुझे श्योरिटी होगी कि भैया ये कुछ आज जो है करेगा। बट यार वही, जितनी जो है बुराइयां कर सकते हो करो, इनका स्कोर बनाया 154/7 और हमारा स्कोर जो है गेम में स्टिल 168 बना है, तो हमें जो है स्टिल जो है चेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया करना होगा। बट ये पिच जहां तक मैं मान रहा हूं, अब ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, लखनऊ वाले जो है स्टार्टिंग में स्ट्रगल इसलिए कर कर गए क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं ऐसा हिसाब किताब चल रहा था कि उन्हें पिच के बारे में जो है समझ में नहीं आ रहा था, समझ में इन दी सेंस उसकी पेस को अडेप्ट करने में उन्हें जो है दिक्कत आ रही थी। और जब तक वो समझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि देर हो गई थी, बट जब तक वो समझे तब तक पॉसिबली जो है उनकी वो स्टार्टिंग जो है चीज उनसे जो है निकल गई थी। इसके बारे में कंटिन्यू करते This is हैं, a अब really हम जो है अपना defendable गेम प्ले zone. भी स्टार्ट कर रहे हैं और The owners हमारे will need जॉस to get their बटलर और eye back जायसवाल जो है quickly. वो Get the आने को तैयार scoreboard हैं। ticking आपको over. पता है पार्ट If वन that's a में habit हमने which जो है, suits. जो पार्ट वन में हमने जो है बॉलिंग की है, अब पार्ट टू में हम जो है चेज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि Nice timing, राजस्थान जिस quick किस्म की batting, बॉलिंग, हालांकि won't get to the राजस्थान boundary. ने कोई एक्सेप्शनल बैट बॉलिंग नहीं की वहां Jonathan पे, Bershaw, और nice to मुझे ये play, भी लग makes रहा है four कि runs all the way. अगर आपके बाकी के बल्लेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं 200 की, 140 की, 130 की स्ट्राइक रेट पर हिट कर रहे थे और आपके ऊपर से ही इतना जो है प्रेशर वो दे गए That last ball isn't कि something you'd आप want to see लिटरली, a क्योंकि repeat वहां of. पर अगर You don't बॉलिंग में want to आप be giving देखो easy तो runs away. युजवेंद्र चहर को भी पड़े हैं, सिर्फ अश्विन ने बहुत बढ़िया बॉल डाली है जो कि आप Relax उससे that one, एक्सपेक्ट कर simple as you सकते like हैं। inside the तो मुझे ring. लगता है पेस का जो है, Exquisitely down the बॉल front की foot, पेस Jordan का जो है couldn't फर्क drive, पड़ गया है moving off ball. अल्टीमेटली। और Big वही बात, opportunity. नॉर्मली क्या Worked होता है, hard के in एल recent राहुल ये weeks. टुक 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 तो Should करता have the रहता है, बट confidence to उसके build on the साथ वाले leads. जो है उसे Get big अग्रेसिवली runs on the अटैक board. कर देते हैं पूरी इनिंग में। और ये मेयर्स तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये करता आ रहा है, बट आज क्या हुआ, आज हुआ Really कि good भाई shot there. आज दूसरे एंड पर भी जो है प्यार Look out for मोहब्बत the से रन चल bowlers. रहे थे। Sometimes your अब opponent is देखो just too good. ये वो प्रॉब्लम है, Wonderful आज front foot मेयर्स on ने that जो attempt. है बिल्कुल Absolutely no टिपिकल point in केएल chasing राहुल it. इनिंग खेली है, 51 रन 42 बॉल्स में 3 छक्के 4 चौके, You can see how good 121 this की pitch can स्ट्राइक be रेट batted. पर, और केएल Got the राहुल की player भी coming स्ट्राइक रेट forward, but it's 121 a tight 122 की है। margin. अब Only a touch जब आप forward, दोनों all the तरफ way. से, आज हम स्टार्टिंग में ये कह रहे थे ना कि लगता के जो है मेयर्स भी ये कह रहा है केएल The राहुल running, को कि it भाई मैं needed नहीं to be मारता as आज, well. आज पहले तू Probably स्टार्ट करेगा closer than फिर I हम देखते expected. हैं कि क्या बनता है। तो ये वो केएल राहुल का, आज केएल राहुल का आगे से किसी ने मारा नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि केएल राहुल That के was a जो tremendous ऑपोजिट delivery from साइड his होता है throw वो to the मारता keeper. रहता है, तो No more केएल short राहुल balls की this वो over. इनिंग जो है उतनी समझ में नहीं आती कि कितनी बुरी थी। आज का स्कोर स्टिल
लेटर पार्ट में 154 रन जो ये बने हैं, स्टिल जो है स्टोइनिस ने और पूरन ने जो है अपना काम जो है निभाया है. यस एक्सेप्शनल जो है, वही बात है ना, अगर यहाँ पर पूरन जैसे पिछली बार जीरो पर आउट हुआ था या स्टोइनिस ये 20-25 ये 21 और 28 रन ना मारते, दोनों में से एक बंदा भी 20 रन ना मारता, तो यही टोटल जो है 135 हो जाना था. और ये वो प्रॉब्लम है. और रही बात बॉलर्स की, देखो ट्रेंट बोल्ट हमेशा बढ़िया बॉलिंग डालता है, उसे छोड़ दो. अश्विन ने बढ़िया बॉल डाली है, 23 रन 2 विकेट 4 ओवरों में. चहल 41 रन गया है 4 ओवरों में. तो इसका मतलब ये है कि दोनों स्पिनर्स में से एक स्पिनर की तो खड़काई हुई है. तो इसके अलावा जो होल्डर है वो भी 10 के आसपास गया है. संदीप ने बढ़िया बॉल डाली है, स्टिल वो 8 के आसपास गया है. तो ये पेस बॉलर और स्पिनर का ऐसा नहीं है कि कोई पिच जो है आपको उस तरह की चीज कर रही है, ये आपकी बैटिंग की अप्रोच है. और जिस तरह जो है आप ऑलरेडी सेट होकर खेल रहे थे केएल राहुल और मियर्स, मुझे लगता है स्टार्टिंग में इन्होंने जो है पिच को जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दे दिया. और असल बात ये थी कि इन्हें पेस समझ नहीं आ रही थी. और स्टार्टिंग में ऑब्वियसली केएल राहुल भी अपनी आदत से मजबूर कि मैं तो रन मारूंगा नहीं, मैं तो आराम आराम से खेलूंगा. इतनी देर में नॉर्मली क्या होता है, इसके साथ जब मेयर्स होता है वो जो है रन बना देता है, नहीं तो इसके साथ होता है डीकॉक वो रन बना देता है, इंटरनेशनल में इसके साथ होता है हमारा रोहित शर्मा वो रन बना देता है. और आप ये एक स्पेसिफिक चीज नोट करो, ये सभी लोग या तो अगर बहुत बढ़िया खेल गए तो ये 50-50 60-60 रन ये शायद उससे भी ज्यादा मार देते हैं. और टीम अल्टीमेटली 200-200 रन जो है मनाने को तैयार हो जाती है. और टीम्स जो है बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से जो है रन रेट से जो है बनाती है. नहीं तो क्या होता है, ये सभी ओपनर्स 20-30-25-40 पर जो है अपनी विकेट जो है गवा बैठते हैं. क्यों गवा बैठते हैं, क्योंकि एक तो एडेड सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने इसके इनके सर पे, और दूसरा सारा रन जो बनाना है वो इनके सर पर. तो उस सिचुएशन में आज मुझे नहीं पता, मुझे एक अंदाजा एक तुक्का वर्क लगाऊं ना अगर मैं, आज क्या हुआ है कि मेयर्स को या तो बोला गया है, देखो इसका कोई ये तो है नहीं फैक्ट, तो मतलब मुझे तो टीम से नहीं पता होगा, बट एक गेस मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज ये जो मेयर जिस तरह का खेल के गया है ना, या तो इसे बता दिया गया कि भाई अब हम जो है तेरे साथ थोड़ा सा जो है रेस्ट करवाएंगे तुझे और डीकॉक को लेकर आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट मैच आप डीकॉक को देखें, इस इनिंग की वजह से नहीं बल्कि ऑलरेडी मैसेज था कि भाई ऐसा होगा. और फिर उसने भी जो है इस तरह की इनिंग खेल डाली. ऐसा नहीं है कि वो मार नहीं सकता था, उसने कोशिश की थी, बट फिर उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया जब ये केएल राहुल का भी हालचाल सेम था. तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, और आज मैं तो यही कहूंगा जैसे को तैसा मिल गया. और केएल राहुल को आई थिंक आज रियलाइज हो गया जो उसे स्ट्राइक रेट लगती है ना कि ओवररेटेड है, आज किस किस्म की बैटिंग केएल राहुल और मेयर्स स्पेशली, क्योंकि देखो अपनी नहीं चीज समझ आती है, मैं जो गलतियां करूंगा जो कर रहा हूं जो फंबल्स मार रहा या जो भी लाइव स्ट्रीम में भी गलतियां कर रहा हूंगा, वो हो सकता है मुझे ना समझ आ रहा हो, बट आपको एज अ ऑडियंस सबसे पहले पता लगेगा, अनलेस अनटिल मैं खुद एक ऑडियंस ना बनूं और अपने ही कंटेंट पे दोबारा से देखूं, तो आपको एज अ ऑडियंस पहले समझ आएगा. आज सिमिलर जो है केएल राहुल को अपना जो डैश 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 वाला काम है ना वो मेयर्स के रूप में देख गया, और उसे समझ आ गया होगा कि भाई ये प्रॉब्लम है. और मेयर्स भी आज पता नहीं क्या खा पी के आया था, वो भी ढीट जो है उसने भी पंगेबाजी नहीं ली, फिर वो भी अपना जो है पूरा काम कंप्लीट कर फिर गया. और अल्टीमेटली फिर वही बात, जो केएल राहुल जो हर बार बच जाता है, एक तो बाद में आके मार दो, नहीं तो जो फ्रंट में जो आपके साथ है वो मार ही रहा है. तो आज दोनों में से कुछ नहीं हुआ, जो बाद में भी आए फिर उनके ऊपर इतना एडिशनल प्रेशर स्टिल उन्होंने बनाया. वही बात है, पिछले मैच में 20 पर पूरन जो है जीरो पर आउट हो गया था, आज के मैच में पूरन और स्टोइनिस ने 20-25 मिलकर जो है बना दिए, 25 उसके 20 उसके. तो यही फर्क जो है वो अल्टीमेटली टोटल के ऊपर 154 बन गया, नहीं तो ये 135 रह जाता या 140 रह जाता. और क्योंकि ओपनर्स में से आज जो है वो इनका मेयर्स ने जो है अटैक नहीं किया, ना केएल राहुल का जो है बाद में ऐसा हुआ कि बाद में पहले धीरे धीरे लगा रहा बाद में अटैक कर दिया, तो इसलिए वो टोटल बिल्कुल ही जो है बस हो गया. तो यहाँ पर जो है वो दिक्कत आई है, बट स्टिल अब राजस्थान वाले जो है बैटिंग करने आ गए हैं, हमने तो अपनी
इनिंग शुरू कर ही रही है और हम भी चेज कर रहे हैं, बट हम इनसे ज्यादा चेज कर रहे हैं आज. फ्रैंकली बोलूं मुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी आज की गेम से और मुझे लग रहा था ये टफ गेम होनी चाहिए. आई एम श्योर अभी जो ये बॉलिंग डालने आएंगे तो पता लग जाएगा राजस्थान किस हिसाब से खेलती है, बट आई एक्सपेक्ट राजस्थान जो है ज्यादा मच बेटर खेलेगी इस पिच पर और एक कन्विंसिंग विक्ट्री के लिए उन्हें जाना चाहिए मुझे लगता है. और मुझे नहीं लगता राजस्थान के बैट्समैन इतना स्ट्रगल करेंगे और इवन बटलर भी शायद स्ट्रगल ना करे, क्योंकि पेस मुझे तो समझ नहीं आई कि पेस में कोई दिक्कत है इस पिच की. हाँ, एक बार आप एडजस्ट हो जाओ, अगर आप ये सोचो कि आपकी जो है बॉल आती रहेगी, यह स्टार्टिंग में जरूर दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एडजस्ट होना आपको थोड़ा सा मनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लखनऊ वालों का भी जो है इनिंग, लो पहली अपील आ गई है, उसका भी शायद बैट जो है लेट आया है जल्दी आया है, वो रिव्यू में पता लगेगा. तो आप जो है एडजस्ट अगर कर गए, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में ही निपट गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अब ये कौन निपटने की कोशिश कर रहा है, जायसवाल हो सकता है आउट हो जाए, अपील हुई है और इन्होंने जो है रिव्यू भी लिया है. तो स्टार्टिंग में अगर आपके साथ कुछ हो भी जाए तो ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप सात सात आठ आठ ओवर जैसे ये इनके ओपनर्स खेल के गए आपको ये पिच समझ ना आए. या तो स्टार्टिंग में निकल गया ठीक है, बट इतनी बुरी ये पिच जो है मुझे तो नहीं दिख रही है. यस, आपको स्लो या थोड़ा सा, मतलब वो कहते हैं ना थोड़ा सा पेस जो है एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, बट वो सात आठ ओवर का टाइम ही लग सकता. अगर आप एक दो ओवर खड़ गए हैं दैट इज मोर देन सफिशियंट. बाकी ये पहली अपील आ गई है और ये काफी क्लोज अपील आई है. ओए नहीं हुआ, नहीं हुआ, एज लगा बैट पे, क्लोज अपील थी. इसका मतलब बैट क्या हुआ था, बैट थोड़ा सा, नहीं बैट तो ठीक आया. अल्टीमेटली वही है जो प्रॉब्लम उनके साथ लखनऊ की प्रॉब्लम थी कि उनका बैट जो है वो लेट आ रहा था. लखनऊ नहीं, पार्टन मी, जल्दी आ रहा था, सॉरी. वो शॉट्स को जो है जल्दी खेलने की कोशिश कर रहे थे और वो टाइमिंग जो है वो वेट एंड वॉच नहीं कर रहे थे. जब उन्होंने वेट एंड वॉच करने की कोशिश की थी तब उनके जो है रन आने शुरू हो गए थे. तो यहां पर देखते हैं, अब राजस्थान की पहली बॉल पे जो है क्लोज कॉल हुई है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इन्हें वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए और अल्टीमेटली स्कोर इतना बड़ा है नहीं. लो पहली बॉल, दूसरी बॉल पे एक बड़ा अच्छा फाइन जो है आगे की तरफ जो है शॉट आया, बट लेट्स सी. पहले जो है गन जंप नहीं करते हैं. मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पिच में इतना नहीं है कि आपको इतना टाइम लग जाए कि पेस ही ना समझ आए, और पिच कोई जो है खतरनाक जो है उल्टी सीधी चीजें नहीं कर रही है. और अगर यहाँ पर ड्यू भी पड़ रही है तो रादर वो तो थोड़ा सा और बॉल को पुश करेगी, वो भी एक एडवांटेज वाली बात हो जाएगी. सो लेट्स सी, वही बात है कि के राहुल को जैसे को तैसा मिला, अब लेट्स सी कि क्या होता है. इतने डीमंस इस पिच में मैं नहीं मान रहा था, बट जितने डीमंस उन्होंने दिखाए हैं बैटिंग में. खैर अब जो है बटलर जो है स्ट्राइक पे, जो बटलर का गुस्सा पिछली इनिंग वाला भी चल रहा होगा. और मीनवाइल ये बातें करते करते हमने जो है अपनी जो है स्ट्राइक रेट और अपना जो है परफॉर्मेंस बढ़िया रखा हुआ है, तो हम जो है 47 पर पहुंच भी गए हैं. दैट्स गुड फॉर अस. हम जो है इसे कोई क्लोज नहीं लेके जाने वाले, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हम जो है पेस के साथ कर सके. वहां पर बटलर, अब देखिए अगर बटलर ने भी इस पिच पर रन बना दिए और स्ट्रगल नहीं हुआ, स्ट्रगल इन द सेंस हमने देखा है कि लखनऊ के ओपनर्स और लखनऊ ने किस किस्म की जो है बैटिंग की है वहां पे. तो अगर तो बाय द वे मैंने साउंड नहीं चेक की. ओए ये क्या था, ये क्या था मेरा ध्यान कहीं और चला गया. अबे रिप्ले दिखा, मैंने देखा नहीं इसे. अबे रिप्ले दिखा, क्या ये क्या हुआ था, ये क्या किया था इसने. अच्छा अच्छा नहीं नहीं मुझे, अच्छा जब तक मैंने देखा मुझे लगा ये बीमर मारी उसने. खैर मैं बात कर रहा था इस बॉल के बाद बताता हूं मैं क्या बात कर रहा था. ओए बच के मैं बात कर रहा था कि अगर इस पिच पर जो है बटलर स्ट्रगल ना किया, और स्ट्रगल ऐसा नहीं कि वैसा स्ट्रगल वो करेगा ही नहीं, वो अपनी विकेट देकर चले जाएगा. बट ये जो केएल राहुल और मेयर जिस तरह की सात आठ ओवरों की स्ट्रगल कर रहे थे, वैसी स्ट्रगल जो है मैं जो है बटलर से एक्सपेक्ट नहीं करता. तो अगर तो यहाँ पर बटलर स्ट्रगल जो है, बटलर की इनिंग मुझे बताएगी कि भाई कि वाकई में पिच में इतने डीमंस हैं, जो कि मैं नहीं मान रहा कि है. बट अगर यहाँ पर बटलर भी उस तरह स्ट्रगल किया
या बटलर के अलावा पता लग जाएगा अभी, तो जो कि मैं नहीं मान रहा कि इसमें वो उतने डीमंस हैं, ये सिर्फ उन्होंने अपने जो है वही बात कि तू मार के चक्कर में जो है दोनों ने अपने आप को फंसाया और टीम का जो है बेड़ा गर्क कराया। बाकी ये टोटल जो है मुझे तो लग रहा कि कम होना चाहिए, इस टोटल में राजस्थान जो है वैसे ही टॉप ऑफ द टेबल है, और इस टोटल में आई थिंक पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट को तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए बहुत, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एलएसजी इसलिए वन पर पहुंच सकती थी कि ये मैच जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से डिफीट कर दे राजस्थान रॉयल को, वो तो मुझे होता दिख नहीं रहा। और अगर राजस्थान जीत रहा है ये मैच तो कितना ग्रो पैनिक कर जीतेगा, तो राजस्थान अपना नंबर वन स्पॉट जो है वो बरकरार रख लेगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट मेजर तौर पर पहले 6 ओवर इंटरेस्टिंग यही देखने वाले हैं कि राजस्थान कितना स्ट्रगल करता है अपने पहले 6 ओवरों में, या फिर वही बात हम बाद में जो है गालियां निकालेंगे कि भाई लखनऊ जो है कुछ ज्यादा जो है जो क्या कहते हैं उसे वो क्या कहते हैं टाइमिंग के चक्कर में लखनऊ एक्चुअली वॉज नॉट रेडी इस पिच को इस पिच पे खेलने के लिए, क्योंकि क्लियरली हमने जब फर्स्ट इनिंग में भी हम बात कर रहे थे या हम गेम प्ले में भी जब बातें कर रहे थे सारी, तो जब जब जो है जो इनिंग चल रही थी उनकी सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का इशू था, और वो पिच की वजह से बिल्कुल नहीं था, वो उनकी खुद की टाइमिंग का इशू था। एक होता है कि पिच स्लो आ रही है, एक होता है पिच स्किड कर रही है, एक होता है कि बॉलर वैरायटी इतनी कर रहा है, तब आप टाइमिंग में वहां पर वो जेन्युइनली नॉर्मल बॉलिंग पे जो है टाइमिंग पे जो है इशू उनका चल रहा था, ये मुझे लगा। ऑब्वियसली मेरी रीडिंग कुछ और हो सकती है, किसी और की रीडिंग कुछ और हो सकती है, बट मेरी रीडिंग ये है, और वो अब पता लगेगा बाकी का कि आरआर क्या करती है। बाय द वे हम कहां पहुंचे, ओए गलत शॉट, हम जो है बढ़िया खेल रहे हैं, हम बढ़िया खेल रहे हैं, हम चेस कितना कर रहे हैं, हम चेस कर रहे हैं 169 को, और वहां पर 154 चेज हो रहा है, 155 टू बी एग्जैक्ट, तो बनाने हैं राजस्थान रॉयल को। और पहला ओवर किसका था, नवीन उल हक 2 रन देकर गया पहले ओवर में, तो आई थिंक अपनी आई साइड जो है जो वो कर रहे हैं सेट इस पिच पर, विच इज नॉट बैड। युद्धवीर आ गया है दूसरी तरफ से बॉल डालने के लिए, 155 यार डिफेंड करना बहुत मुश्किल होगा, और 155 में लिड करना भी बहुत मुश्किल होगा। लेट्स सी, राजस्थान रॉयल तो वैसे ही जो है फेवरेट होना चाहिए, बाकी वी विल, ओए आई थिंक वाइड है ये, वाइड है वाइड है, बाकी हम अपने मैच पे भी अकॉर्डिंगली कंसिडर करें। मेरे लिए ये पहले 6 ओवर डिसाइड करेंगे, विनर नहीं बट 6 ओवर डिसाइड करेंगे कि वाकई ये पिच वैसी है जैसी एलएसजी मानकर जो है हम खेल कर गई है, जो कि मुझे नहीं लगता, बट मैं वही देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पिच में जो है राजस्थान जो है धुएं उड़ा दे और बाद में पता लगे ये इतनी जो है आसान पिच थी। बट खैर वो तो पता लगेगा, हम अपनी गेम में हमारे आवेश खान डाला हो, हाँ आवेश खान कहाँ है इनका, आजकल खेल रहा है क्या, ओ भाग 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 भाग, आवेश खान तो नहीं खेल रहा ना इनका, एक सेकेंड, अरे कहाँ गया तू, ओहो आवेश खान, आवेश खान नहीं नहीं खेल रहा खेल रहा खेल रहा खेल रहा, ठीक है ठीक है, वहाँ स्टार, अच्छा ओपनिंग बॉलर्स इनके अलग हैं, आवेश खान नहीं ओपनिंग कर रहा, ओके ओके खेल रहा खेल रहा, उमरान मलिक हैदराबाद वालों ने निकाल कर रखा हुआ है, ओके ओके, कन्फ्यूजन हो गया था, कन्फ्यूज आ गए थे थोड़ा सा हम, पहुंच गए 1.2 ओवर 7 रन 7.93 की इकोनॉमी चल रही है, बट खैर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार ये इतनी लिद नहीं करेंगे, मुझे गलत प्रूव मत कर देना यार राजस्थान वालों, ओए गुड स्ट्राइक रेट, अभी तो खैर बेस छोटा है, बस स्ट्राइक रेट 20 और 25 की है बटलर और जायसवाल दोनों की इस वक्त, और हमारी हमारी गेम में तो बढ़िया यार, हमारी गेम में तो स्ट्राइक रेट और वो सब कुछ बढ़िया है। ओए रुक जा रुक जा, I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. अंदाजा लगाओ हम कितनी देर में ये खत्म, रिक्वायर्ड रन रेट है हमारी 7.54 और करंट रेट है हमारी 10 की, बढ़िया बढ़िया है, तो हम जो है हमारे लिए तो पिच बढ़िया है, और लेकिन हमारी गेम में भी थोड़ा बहुत ही एलएसजी कर कर गया है, जिस हिसाब से विकेटें हाथ में रख कर गई है,
अटैक हो सकता था सीएसके की गेम जब हमने लगाई थी, जब एक्चुअली सीएसके ने 225 ठोक दिया था वहां पे, तब गेम में भी सीएसके ने जो है 208-210 के आसपास बनाया था और गेम में हार गए थे, मतलब बैंगलोर हार गया था। गुड शॉट भाई जायसवाल ने, जो मैंने जितना देखा 3 बारी अटेम्प्ट किया स्ट्रेट जो है मारने का, 2 बारी जो है फील्डर के पास, और दोनों बार मैं बोलने लगा था कि ऐसा तो कोई पिच में है नहीं, पिच में है नहीं, अब उसने जो है फाइनली उठा के मारा है एक और अब वो चौके के लिए चले गया है। तो जायसवाल कहीं ना कहीं दिखा रहा है एज पर अभी तक जो उसने थोड़े बहुत ये शॉट खेले हैं कि भाई इस पिच पर बस इतना टाइम ही है कि आप देख लो उसे, बाकी ट्रू जो है आपको करेगा पिच जो है, ज्यादा डीमन नहीं है पिच पे। बाकी अगेन लेट्स सी, ये यही बड़ा सबसे बड़ा होने वाला है क्योंकि जिस किस्म पुल कर छक्का जायसवाल ने छक्का लगा दिया भाई, ये भाई मजा आ जाए अगर वन साइडेड गेम बना देना राजस्थानी से, वन साइडेड तो बहुत लोगों की आंखें खुल जाएंगी, स्पेशली जो ये केएल राहुल के फैंस हैं या लखनऊ के जो फेवर कर रहे हैं ना, मैंने कई सुना है अभी ब्रेक में ना जो लगे हुए थे कि पिच ऐसी है, कमेंटेटर्स भी एक टाइम पर पिच ऐसी है, और मैं हैरान होता हूँ इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ये नहीं है उन्हें पता नहीं है, जानबूझ के मैच में ना जब कोई टीम अगर चल रही हो उनकी मेरे ख्याल से ड्यूटी है, अब ये ऑब्वियसली रिटर्न रूल है उनके पास या उन्होंने बताया हुआ है, वो 2-3 चीजें पेट करेंगे, एक वो कभी भी अगर कोई टीम सरेआम जीत भी रही होगी ना उसे कभी वो विनर जो है बोलेंगे नहीं कि होने वाला है, उनका हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि मैच को बताई जो कि क्लोज है, इतनी क्लोज है, इससे कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर 5 बॉलों में 25 भी चाहिए हो ना उनका, ये वो तब भी ये नहीं कहेंगे कि एक टीम को एडवांटेज है वो जीत रही है ऑलमोस्ट, बंदा बोल ही देता ना कि ये जीत रही है टीम और कुछ जो है अनहोनी होनी चाहिए ना, उनका यही होता है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब वो वाली थिंग कि गलती से भी आप ये ना समझो कि ये इवन लास्ट 5 बॉलें भी जो हैं जो अच्छी नहीं होंगी, तो उनका पूरी कोशिश यही रहती है कि किस तरह बताया जाए कि ये गेम कितनी क्लोज है, और जस्ट और आज जैसे इन्होंने खेला लखनऊ ने, इनकी पूरी कोशिश है ये बताने में, जस्टिफाई करने में कि ये तो पिच ही पॉसिबली ऐसे थी, ये तो पिच में ही ऐसा कुछ था, जो मतलब आज मैंने कभी के राहुल को क्रिटिसिज्म नहीं सुना इनके मुंह से ऐसा, आज वो मेयर्स कर गया, मेयर्स को क्रिटिसिज्म दे रहे थे कि आज ये ऐसा ही नहीं खेल के गया, वैसा ही नहीं खेल के गया, और जो के राहुल हर बार खेल के जाता है उसके बारे में चुप, उसके बारे में लास्ट स्टैट लास्ट डाटा और काम खत्म। बट खैर राजस्थान अगर जो है वन साइडेड मारे इस गेम में इन्हें, तब जो है इन्हें पता लगेगा, और ये कमबैक तब भी ऐसा बोलेंगे सेकंड पार्ट में सेकंड हाफ में जो है पिच आसान हो गई, नो डाउट ड्यू का फैक्टर हो सकता है, बट अभी तक तो मुझे दिखी नहीं होगी, अब दिखा देंगे, बट कहीं ना कहीं ये फिर बहाने ढूंढ लेंगे कि सेकंड पार्ट में ड्यू की वजह से ऐसा हो गया, सेकंड पार्ट में इसकी उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो भाई कमबैक तो ऐसा ही करेंगे ये। बाकी लेट्स सी, 20 रन हो गए भाई 2.2 ओवरों में जो मैच चल रहा है, और जायसवाल 150 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है, लेट्स सी 6 ओवरों में देखेंगे अच्छे से कि क्या टोटल है। हम अपना बाय द वे एज हमारा बटलर आउट हो गया यार, हमारा बटलर आउट हो गया, कौन था बॉलर, आवेश था ना, ये चैलेंज तो क्या करना यार, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, ओए वो देख कैसे उसने उठ, ओ भाई साहब कैसे डाइव मारी है उसने, हाँ आवेश खान था, अच्छा बटलर 42 पे गया, चलो भाई संजू सैमसन आएगा, संजू सैमसन आएगा भाई, हमारी स्टार्ट तो बढ़िया है गेम में, अब वहां की स्टार्ट चाहिए लाइव वालों की, उनकी कैसी स्टार्ट चल रही है, चल भाई भाग 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 भाग, दूसरा ले ले, चल दूसरा ले ले, ओए बच गए, रैकेट होती तो मर गया था, चलो 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 चलो, कितने ओवर में बनाए, 9 ओवरों में 96, मतलब 15-16-17 ओवर में हम बना लेंगे, 10 के हिसाब से हम मार रहे हैं ना, नो पॉइंट की हम जो ऐसे बहुत ज्यादा डिले करें क्योंकि 96 ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो रिक्वायर्ड रेट जो है हमारी 7 के भी नीचे आ गई है क्योंकि हम 10 के उस हिसाब से मार रहे हैं, तो ज्यादा लगना तो नहीं चाहिए, बाकी लेट्स सी, भागो भागो, रुक जा रुक जा रुक जा, दो नहीं लेने, नवीन उल हक वहां पर बॉल डाल रहा है बटलर को, बटलर धीरा दिख रहा है,
भाई बटलर के बटलर पे बैट पे नहीं लग रही वहां पे, या तो लेट्स सी पर कितना टाइम लगेगा बटलर को वापस समझने में पेस। चलो चलो चलो, हमारा बटलर आउट हो गया वैसे। ओए ओए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। That would have been a very risky single. In the end, a good decision. 72 runs of 63 balls. ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलो चलो। ओए रुक जा यार, मेरे सारे फील्डर के हाथ में क्यों डाल रहा हूँ मैं? Not a great delivery. Got it full and lucky. भाई लास्ट बॉल है वहाँ पे, नवीन लग के ओवर की, तीसरे ओवर की, और बटलर यार मार यार। बटलर तो इतने आराम आराम से लगा हुआ है जैसे वाकई राहुल ने डरा कर भेजा कि भाई ध्यान से खेलना पिच खतरनाक है। बटलर तेरी इनिंग पे डिपेंड करता है, तो कितनी लाल डाल रहा है उन पे, जीत तुम रहे हो बट तुम्हारे तरीका बताएगा कि तुम कैसे जीत रहे हो, डर डर के जीत रहे हो कि सच्ची में जो है तावड़ तोड़ जो है इनिंग मार कर जीत रहे हो। ओए गुड, भागले 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 भाग, पहुंच गया। तो वहां पर तीन ओवरों में 21 रन, जीरो विकेट, 134 रन उन्होंने और बनाने हैं। 7.88 की रन रेट है, नहीं रिक्वायर्ड 7.88 की है, करंट उनकी साथ की है, तो करंट उनकी साथ की है, इतनी उनकी थी। तो स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ ज्यादा ऐसा नहीं किया कि स्टार्टिंग में जो है ताबड़तोड़ काम कर दें, नहीं तो मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में ताबड़तोड़ करना चाहिए, बट मे बी अभी इतना इन्हें करने की जरूरत नहीं। 134 तो रन बनाने हैं और चेस करते हुए ये एडिशनल फायदा तो डेफिनेटली हो गई इनके ऊपर। ओए गुड यार, बटलर की मैं वेट कर रहा हूँ, बटलर ठोके यार, बटलर नीचा मार रहा और अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात अटेम्प्ट भी नहीं हो रही वहां पे। चलो कॉशियस जायसवाल 150 की स्ट्राइक रेट पे खड़ा वहां पे। इस टोटल में ये भी है कि अगर एक बंदा सोचकर बैठा है कि एंकर करना, दूसरा बंदा मार रहा है, इस टोटल पे आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं तो कहता हूँ ठोको यार, मिलकर ठोक दो इन्हें, इन्हें भी पता लगे कि कैसे जो है रन बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान को पॉइंट्स टेबल में इतना एडवांटेज मिल जाएगा और अल्टीमेटली पॉइंट्स जो है वो काफी काउंट होने वाले हैं, अल्टीमेटली पॉइंट्स काउंट होंगे क्योंकि ये सारा कुछ क्लोज जाएगा। हो सकता है वन और टू वाली टीम के पॉइंट्स जो हैं वो काफी फर्क ठीक ठाक हो, बट तीन और चौथा जो है ना वो दूर तक तलब जाएगी इनकी कहानी। तीन चार पांच छह, मेरे ख्याल से ये चार वाले जो है ना ये सभी इतना भिड़ेंगे इनका नेट रन रेट के ऊपर बहुत पड़ेगा। ओए नोबल फेंक दी, आजा आजा आजा, नोबल फेंक दे तू, फ्री हिट आएगी, अब हम अटैक कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से। ओए चढ़ी नहीं बॉल बैट पे यार, बैट पे, ओए रुक जा, बॉल आ गई वापस, बैट पे बॉल ही नहीं चढ़ी, बैट पे बॉल ही नहीं चढ़ी। चल चल, 62 और रह गए हमारे। ओ फील्डर के हाथ पे दे गया यार, ये भी आवेश ने निकाल दी, क्या बात है। ओ आवेश वहां पे भी आ गया भाई, ओए होए आवेश दोनों जगह, वो सैमसंग चार पे आउट हो गया। चल भी जुरेल आजा भाई, प्रेशर मत करो अपने आपस में, रन रेट अच्छी खासी कर बैठे हो। Just need to rotate the strike early on as they get settled. चल 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 चल, ले ले ले, आवेश यहाँ पर भी बॉल डाल रहा है, आवेश वहाँ पर भी बॉल डाल रहा है। Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. छह की रन रेट आ गई राजस्थान की वहाँ पे, required 8.5 की है। ओए यार मेरे गैप्स नहीं निकल रहे, क्या चक्कर है ये? That was good patient batting. Just waited for it and got it. भाई राजस्थान आराम आराम से कुछ ज्यादा ही खेल रहा है, पर चलो टोटल ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए इन्हें जो है ये किसी भी पॉइंट पर हर्ट नहीं करेगा। यही रन रेट रिक्वायर्ड अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो ना तो आप जितना मिस करोगे उतना जो है आपका कहीं ना कहीं वो धीरे 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 कर जो है ऊपर बढ़ता ही रहेगा, वो कंसर्निंग हो जाता है। बट चलो लेट्स सी,
यार अगर ये राजस्थान ने मर मर कर टोटल जीता ना, तो मैं तो खुश नहीं हूंगा राजस्थान को देखकर। ऐसे मैं चाहता हूँ ये ठोक कर अच्छे से खेलें। इवन ये स्टार्ट जो है ये बढ़िया नहीं है, 6 के नीचे की रन रेट इनकी चल रही है यार, ये ऐसा कैसे। चलो फिर अल्टीमेटली बात वही है, सारे लगे होंगे कि ये पिच ही ऐसी है, पिच ही ऐसी है, वे जो कि They नहीं है, shouldn't get too ऐसा नहीं है। discouraged with that last ball. हम कहां पर First पहुंचे, step हमारे forward 55 रन is रह to गए ना, get the batter playing, which तो they've हमारे रह managed. गए हैं If 55 they can रन। find the right spot, way हमारा forward, they गैप may ही नहीं still निकल come. रहा है यार, ये गैप देखकर This मैं बड़ा isn't worth परेशान हूँ। it for हमारे just a गैप क्यों नहीं single. निकल रहे हैं, In the end, a good अपनी decision तरफ by से the मैं पूरी defense. कोशिश कर रहा हूँ गैप में पूरा बीच में लगा कर बैठा हूँ। चल चल, और कल को दो मैच हैं भाई, कल को क्या है, थर्सडे वाले दिन दो मैच रख दिए। ओए वाइड बॉल, वाइड बॉल, थर्सडे वाले दिन इन्होंने That's दो a मैच क्यों harsh रख call दिए, from the umpire. I've तो seen कल को wider than मतलब हम that, दो not गेम प्ले called. करेंगे। ऐसा वाला गेम प्ले ठीक है ना, पहला एक पहली इनिंग में गेम प्ले करते रहो, और दूसरा जो है मिड ब्रेक लेकर आराम से जो है दूसरी इनिंग में फिर जो है Yeah, गेम प्ले great करो, shot through रेस्ट the भी मिल gap. जाती है। ओए चौका आया, किसने मारा, जयसवाल ही मार रहा है इस वक्त Sometimes तो। just have to stop and admire चलो batting like जयसवाल ने that. चौका मारा, Gets on the जयसवाल ने front स्ट्राइक foot रेट early, मेंटेन well करके रखी timed हुई to है, get बढ़िया, four runs. 150 के ऊपर, और जॉस की देख लो 35 पे स्ट्राइक रेट चल रही है, और मजाक नहीं है, 14 बॉले खाकर खड़ा वो भाई साहब। ये जयसवाल क्या, उसने जयसवाल कह दिया के एल राहुल ने सिखा कर भेजा है क्या इसे, कि भाई तू अगर जल्दी से रन Great मारेगा shot. तो हमारी It's बहुत not going to बेइज्जती be the होगी, तो fielder. तू जल्दी से रन मत मारियो, बाद में तेरे बनवा देंगे अगर तू कहेगा, बट तू जल्दी से Couple मत more for मारियो। you. कुछ ऐसा तो नहीं इनकी डील डील हुई कहीं। ओए ओए एंकल खींच ली उसने, बॉलर ने, वाइड बॉल, That was a बॉलर tremendous ने एंकल delivery. खींच ली Fizzed भाई, through to the keeper. No more हुआ shot तो है once this कुछ। over. चल भाई आ गया उनका फिजियो भागता भागता। 6.23 की रन रेट चल रही है उनकी, राजस्थान वालों की, जो कि मुझे लगता है यार थोड़ा सा अटैक करते यार, क्या आराम आराम से लगे Well हुए हैं, पर चलो placed कोई to बात नहीं। get a single. हम अपनी, ओए रुक Chance. जा रुक जा, तू कहाँ भाग रहा है, हम अपनी तरफ Well, से जो है, ओए communication's not 47 great 47 between रह these गया two. There's a lot हमारा। of hesitation in their calls. On that occasion, अच्छा looking for a वो कुछ second. खास नहीं हुआ मुझे In the लगता है, end, a good हो decision not सकता to go था through with it. बॉल मार। अच्छा उसका पैर मुड़ गया, ओके। Yeah, good ओए bit of गुड timing टाइमिंग, there. बढ़िया बढ़िया, जल्दी मारो, Fielder मैं तो कहता cleverly हूँ ऐसा picking that मारो, up वहां off the पर भी boundary rope. उनके Pops that टोटल away को so पता the लगे ये catch क्या with टोटल बनाया exquisite तुम time. लोगों ने। Don't need to do anything special. Line and length is the key. चलो भाई फिजियो आ गया वहां पे, टाइम अब लगेगा उनका, फिजियो चेक करेगा उसे Yeah, strokes और it फिर languidly खवाएगा away to पिलाएगा। defense. इतने में Hell of a बाकियों की shot. मौजें हो जाती हैं, You can't fault जितना भी them. सास ऊपर Nicely नीचे played हुआ and है it सब was ठीक four है, runs all the way. इतने में गोली दे रहा है फिजियो। That last ball isn't वो बटलर something को you'd भी want to आकर see a समझा repeat दो of. कोई You जाना don't want to be कि giving बटलर easy 14 बॉलों runs में away. 5 रन बनाकर खड़ा है तू, इतना टाइम नहीं है, वैसे तो वो कहेगा है टाइम बहुत है Digs बहुत out है, the ये Yorker. वही धोनी वाला की, धोनी हमारे पास इतना टाइम है ना, माही, हाँ माही हमारे पास इतना टाइम है ना, बटलर से बटलर को बताओ नहीं है भाई तू मार ले। ओ इन्होंने हाँ इम्पैक्ट पे फिर पड़ी कर रख लिया, ये Yeah, क्या चक्कर है ease through यार, the field. There'll be runs here. इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर फिर पड़ी कर रख दिया। आज मुझे पूरी उम्मीद थी Got कि forward आज well and जो was able to रूप जो है drive वो the इनका ball. इम्पैक्ट Lovely प्लेयर shot, आएगा, Sam. Good running. और Brilliant over बोल्ट for the को batting बोल्ट को side. ये बिठा Knocks लेंगे over और the जो ball रूट को easy. वापस ले आएंगे, और Right टोटल भी arm कोई इतना medium खास नहीं ball. था, He's तीन comfortable नंबर on पर भी spot. आप जो है He जो knows रूट that. को ला सकते थे और उसे टेस्ट कर सकते थे, बट यार ये गलत बात है यार, ये पडिगर को ये क्या करवा कर मानेंगे, या तो पडिगर को सिर्फ इसलिए, वही बात है ना, फिर भी ये सारी चीजें जो है एक कॉन्स्परेसी सी लगती लग जाती है, Did ये well just पडिगर get को it down इसलिए बार towards बार there चांस for दे रहे some हैं कि वहां पर runs. पराग जो है ये ना फिर कहा जाए कि सिर्फ पराग को चांस क्यों मिल रहा, पडिगर को क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा, तो उस चक्कर में पता लगे ये दोनों खिलाई जा रहे हैं, और ये राजस्थान को पड़ेगी बहुत भारी जिस दिन Nice पड़ेगी, shot. जब Runs तक नहीं possible. पड़ रही उस दिन। ओए क्या छक्का मारा, ओए ओ भाई साहब कितने मीटर था ये, ओ बटलर ने, बटलर को रेस्ट रास आ गई, ओए ओ कित 407वां छक्का था टूर्नामेंट का, ओए अपनी बॉल खेल ले भाई पहले, Yep.
407वां छक्का था टूर्नामेंट का ये, और कितने मीटर का था? अबे दिखाओ, ओ भाई साहब, अब ये शॉट देखकर 112 मीटर का छक्का, ये शॉट देखकर लग रहा है ये पिच में कोई पेस आने की प्रॉब्लम है, कोई इस पिच पे चक्कर है, एक बस मारने की नियत चाहिए। 112 मीटर का छक्का है भाई, 112 मीटर का, ओए होए 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 भाई, बेस्ट शॉट है इस इनिंग का, छोड़ो इस मैच का। हालांकि बटलर देख लो, इससे पहले 12 बॉलों में नहीं 14 बॉलों में जो है चार पांच रन बनाकर खड़ा था, अब वो सीधा 15 बॉलों पे 11 पहुंच गया। ओए एक और मारने की कोशिश थी, ओए युद्धवीर कहता होगा यार वो ब्रेक छोटी सी ले ली, उससे तो इंपैक्ट ज्यादा पड़ गया सर पे उल्टा। ओए शे अंदर घुस गई यार, स्टोइनिस ने विकेट निकाल दी। कौन गया? जायसवाल 65 पर। मतलब लेफ्ट हैंडेड ही चाहिए हेडमैन, लेफ्ट राइट हम बना के रखेंगे। ओए कृष्ण पर गौतम आ गया, बट ज्यादा रन नहीं रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बॉल सीधी अंदर आ गई थी यार, शह लॉन्गेस्ट छक्का फाफ डुप्लेसी का 115 मीटर है टूर्नामेंट का, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट बना दिया उसने 112 मीटर का। भाई छक्का बड़ा कमाल का था, बंदे का लाख तो पक्का हो गया आई थिंक, सिक्स छक्के मारने वाले को भी मिलता ना एक लॉन्गेस्ट या जो भी है, बंदे का लाख तो पक्का हो गया अब। लेट खेला। भाई लोग जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं जो कुछ है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और एक चीज और क्या करना है, अगर ओए जो लोग आ रहा है अगर चैट बॉक्स में जो है मैसेज कर लो, अपना भी जो है सुना लो, मैं सबका अपना ही सुनाई जा रहा हूँ, बट अपना भी जो है चैट शूट कर लो, बाकी मर्जी है सबकी। चलो ओए आउट हो गया सह यार, ऐसा ना करो यार, ऐसा लिद मत करो। अब जुरेल 24 पर गया, होल्डर अश्विन, ओए इसके बाद चल होल्डर को ही आने थे, जिसका जो लाइन है उसे वैसे रखो। 28 रन रह गए 32 बॉलों में, कोई पॉइंट नहीं बनता कि अब यार इसे इतना क्लोज करो। ओए एज अश्विन, वहां पे क्या हुआ अभी चौका, वहां पे क्या हुआ है, जायसवाल ने क्या किया है, अबे क्या किया, चौका मारा लगता है, आई थिंक जायसवाल ने वहां पर चौका मारा। बढ़िया रन रेट 7 के आसपास आ गई है उनकी, बढ़िया। इनका मैंने देखना पावर प्ले के बाद स्कोर क्या होता है। चल भाग, ओए भाग। अवेश, एज, ओए यार इनसे पकड़ी नहीं जा रही बॉल, पहले भी मेयर्स ने छोड़ा था। ओ कैच ड्रॉप, देखा ये शिफ्ट है, अभी केएल राहुल लखनऊ वालों ने कैच ड्रॉप किया, केएल राहुल के हाथ ऐसे, ओबे क्यों नहीं पकड़ा, ऐसा रोलर रब्बर डाल रहा था। संजू सैमसन की टीम जो कुछ कर रही थी उन्होंने भी केएल राहुल के 2 कैच ड्रॉप किए थे, एक रद्दी भर ना बॉलर ने ना किसी और ने कुछ कहा। भाई ये फर्क है, तब भी मैंने ये चीज नोटिस की थी, केएल राहुल जो है रिएक्ट किया ये ड्रॉप कैच पे। संजू सैमसन की टीम ना बैट्समैन ना बॉलर ना संजू सैमसन खुद रिएक्ट किया उस वक्त, ये सिर्फ राजस्थान की यार वैसे। हालांकि मैं उस कैंप में नहीं हूं जो कहता है कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए भाई ये गलती है तेरी, रिएक्ट ना करके तो तुम कहीं ना कहीं वो कहते हो उस चीज को बढ़ावा भी देते हो। क्लियरली बताओ इंस्ट्रक्शंस और क्लियरली बात करो कि ये क्या वजीर मारी है। ये ड्रॉप कैच में ही आएगा जायसवाल का, मुझे तो लगता है ड्रॉप कैच ही था, तुम टाइम ही नहीं कर पाए उस चीज को, तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गई बॉल, बताओ। और ऐसी चेजेस में ओए मेरा बॉल कहाँ है, ओए बॉल अंदर डाल रहा है, अंदर कर रहा है स्टॉनिस, अच्छा। और ऐसी चेजेस में ये सब, मैं तो कहता हूँ क्लोज कैचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हाथों से निकाल रहा है। चलो लेट्स सी, 6 ओवर हुए नहीं है और ये ठीक जा रहे हैं अब। कंसंट्रेट, 20 रन रह गए 25 बॉलों में, आसान होना चाहिए।
चलो भाई राजस्थान फैंस, वीडियो को लाइक, चैनल को ओए बच गए, ओए बच गए, अच्छा हुआ टाइमिंग नहीं लगी ज्यादा, भाग 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 भाग, ओए अच्छा वो दूसरी तरफ भी मार दी उसने, तेज है भाई तेज है इसका। राजस्थान वालों लाइक कर दो वीडियो को, पक्का जीत रहे हो, जीत रहे हो, दोनों तरफ जीत रहे हो। चलो चलो चलो, लगभग हमारे सारे जो कल को कौन जीता था यार, कल को किसका मैच था, मुंबई और उसका था ना, हाँ मुंबई, हमने बताया था, बात की थी हमारी कि मुंबई जो है फेवरेट है, ऐसा रहा हमने कल को इसलिए ली थी क्योंकि मुंबई जो बहुत ज्यादा खेल लिया था हमने, तकरीबन अब तक सारा टूर्नामेंट हम मुंबई के साथ ही खेल रहे थे शायद, नहीं पता नहीं, कल को हमने ऐसा के साथ खेला इसलिए कि मुंबई यार बहुत ऑब्वियस हो जाता है तो ऐसा के साथ खेलते हैं। कल को पंजाब और आरसीबी का भाई 3:30 बजे, ओए 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 ओए, मजा आएगा भाई, पूरा मजा आएगा, सारी दुनिया बैठेगी। ओ कल को यार दो गेम प्ले करूं कि एक ही करूं, ये क्वेश्चन होने वाला है, चलो देखते हैं कल की, कल देखते हैं, तबीयत ठीक होनी चाहिए कल, आज थोड़ा सा घर पे चल रहा है इस मसला, बट चलो कल देखते हैं बाकी का। चलो अभी वहां पर हो गया स्ट्रेटेजिकल टाइम आउट और 7.83 रन रेट है करंट, 47 रन ठीक है, ठीक है बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते बट बुरा भी नहीं है जिस हिसाब से स्टार्ट की थी। बटलर अभी भी जो है स्लो खेल रहा है बट क्योंकि इन्होंने रन ज्यादा नहीं बनाने हैं आगे तो इसलिए ये ठीक माना जाएगा। जैसवाल बहुत बढ़िया खेल रहा है, 158 की स्ट्राइक रेट, और जॉस बटलर जो है 80 के नीचे की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है डिस्पाइट एक छक्का और चौका मार चुका है, यानी 10 वो 19 में माइनस 2 कर दो मतलब 17, यानी कि बाकी के जो है 5 रन वो 15 बॉलों में मारकर खेल रहा है, इससे अंदाजा लगा लो बटलर कैसा खेल रहा है फिलहाल। अपील नहीं की उसने एज करा था मेरा, भाग 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 भाग, रन रेट कितनी रहेगी, बस ऑलमोस्ट हम बन गए, हमारे बन गए, ऑलमोस्ट बन गए, ऑलमोस्ट बन गए, राजस्थान जीत गया भाई हमारी तरफ से तो जीत गया, 3 रन रह गए हमारे वो हम ले जाएंगे, पोल में भी 80% राजस्थान जीत रहा है। ओए ये क्या पंगा लिया, बच गए, ओए चक्का जीत गए, इन स्टाइल जीते भाई साहब, इन स्टाइल, होल्डर कहता मैं स्टाइल से जिताएगा और होल्डर ने सीधा छक्का मारा और वी हैव वॉन इन स्टाइल। तो राजस्थान हमारी गेम प्ले में तो 6 विकेटों से जीत गया है बट मैं लाइव वाले मैच में एक्सपेक्ट करूंगा ये कम से कम नहीं तो 8 या 9 विकेटों से जीते हैं तो मजा भी आए। बाकी जाते जाते ये रहा पूरा एक बार हमारा ये, हाँ बटलर 42-65, जैसवाल ओपनिंग पार्टनरशिप 94 की बढ़िया है, उसके बाद जो है मिडिल ऑर्डर संजू ध्रुव ठीक ठाक, उसके बाद जो है होल्डर ने फिनिश कर दिया, ये रहा एंड जैसवाल जो है बना है मैन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच। और वहां पर असली जो लाइव मैच चल रहा है वहां पर स्ट्रेटेजिकल टाइम आउट हो गया 47/6 और 108 रन चाहिए 84 बॉल्स में, एक्सक्यूज मी, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि राजस्थान ये क्यों मैच नहीं जीत रहा, मेरी बस नजर ये है कि स्टार्ट इन्होंने स्लो की थी, बटलर अभी भी स्लो है, मेरी नजर ये थी कि ये कितना जो है जल्दी से बनाते हैं, अभी फेयर है इनका बट मेरी आईज यही है कि ये कितनी स्पीड से बनाते हैं, कितनी पेस से बनाते हैं और कितनी जो है विकेट से, क्योंकि अगर यहाँ पर 8-9 विकेटों से ये जीत जाते हैं तो वो बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस और डोमिनेटिंग विक्ट्री गाई जाएगी और ये हमारा पक्का मानकर चलो कि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान ये मैच अगर हार जाती या हार जाए अभी, जो कि अब शायद होना मुश्किल है, तब भी वो 1 नंबर नहीं छोड़ रही थी क्योंकि इनके नेट रन रेट बहुत क्लासिकल ऑलरेडी थी। तो चलो हमारा हो गया रैप अप, ये हमने जो है चेज कर लिया बढ़िया से और कल मिलते हैं, कल 2-2 मैच हैं बाकी देखेंगे कल को क्या सीन बनता है। इसके अलावा मैच के बाद जो है मोस्ट लाइकली अब लाइव नहीं आएंगे, मैच के बाद जो वीडियो आएगी, आजकल मैंने ये सिस्टम सोचा है कि अगर गेम प्ले हो रहे हैं तो हम गेम प्ले को 2 पार्ट्स में कर देंगे और जो मैच के एंडिंग वाला होगा वो एक वीडियो के माध्यम से कर देंगे, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं अगर लोग आ भी रहे हैं तो
वो चैट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम सिर्फ गेम प्ले नहीं करते हैं यहाँ पर। मैं अगेन जो है, अगर कोई गलती से ये पार्ट देख रहा हो, देखेगा या कुछ भी है, हम सिर्फ गेम प्लेज नहीं कर रहे हैं, हम जो है मैच का एनालिसिस करते हैं, मैच के बारे में बातें करते हैं, मैच की पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बातें करते हैं, इसके अलावा जैसे अभी लाइव मैच चल रहा है उसके बारे में बातें करते हैं, उसके साथ साथ एडिशनल हमारा गेम प्ले और उसकी बातें। तो मुझे नहीं लगता हम सिर्फ गेम प्ले वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मे बी हम उतने जो है मे बी उतने लोगों तक जो है दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बट स्टिल हमारी तरफ से कोशिश पूरी है। तो बाकी थैंक यू वेरी मच, अब हम इसे रैप अप कर रहे हैं, कल मिलते हैं। इसके अलावा शाम को पार्डन मी ये रात को ये मैच के बाद एक वीडियो डालेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली है वो मैच के बाद ही मैं रिकॉर्ड करूंगा। और यही यहां पर रैप अप कहते हैं कि हमने तो राजस्थान को जिता दिया, हमारा काम हो गया ख़त्म, अब राजस्थान वालों की खुद की जिम्मेवारी है कि इस इनिंग को एक प्रोफेशनल वे में जो है एक अच्छे तरीके से जो है जीतें और विक्ट्री ले और पॉइंट्स टेबल में और जाएं। और बीवीन भाई जो लोग आ रहे हैं वेलकम, जो लोग बात लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, रैप अप कर रहे हैं, टेक केयर, बाय बाय।